सो गाइज़ वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। पिछले वीडियो में हमने ये बात किया था कि अगर आपको अपनी वेबसाइट में एडवांस लेवल पे थीम को एडिट करना है या फिर मैनेज करना है तो वो कैसे होगा। बेसिकली हम अपीयरेंस में जाके थीम एडिटर जो सेक्शन है इसी सेक्शन के बारे में बात किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो गाइज़ आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारा कम्प्लीट ट्यूटोरियल जो वर्डप्रेस ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर का कम्प्लीट सीरीज़ है वो देख सकते हैं। सिंपली आपको चैनल पे जाना है, देन आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है, आपको मिल जाएगा कंप्लीट सीरीज। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लगइन्स के बारे में। वर्डप्रेस सीरीज में सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए हो सकता है, क्योंकि वर्डप्रेस में जो भी आपको एडिशनल काम करने होते हैं, जो भी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी होती है, वो हम प्लगइन के बिहाफ पे ही करते हैं। सो ये वीडियो गाइज आप लास्ट तक देखिएगा, कहीं पे भी इसको स्किप मत करिएगा, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर जाएंगे। सो गाइज माय नेम इज़ आनंद और आप देख रहे हैं वेब इनसाइट। तो चलो यार ये वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज ऑब्वियसली आपको प्लगइन एक्सेस करने के लिए सिंपली आपको मेन्यू में प्लगइन पे माउस ओवर करना है। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, इंस्टॉल्ड प्लगइन, ऐड न्यू और प्लगइन एडिटर। बेसिकली हम ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे। ये आपका कंप्लीट प्लगइन मार्केट हम इसको बोल सकते हैं। वर्डप्रेस आपको हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फ्री प्लगइन्स देता है, यानी कि आपको जैसी भी फंक्शनैलिटी अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट करनी रहती है या फिर लोगों को प्रोवाइड करनी होती है, वैसा हम प्लगइन क्या करते हैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मार्केट में होम पेज पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लगइन्स मिल जाएंगे, बट आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत सिंपल सा तरीका बताने वाला हूँ कि कैसे प्लगइन इंस्टॉल होगा और कैसे हम उसको इंटीग्रेट करेंगे अपनी वेबसाइट पे। लेट्स से कि आपको अपनी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट अस पेज पे कुछ फॉर्म बनाने हैं। अभी मैं अगर कॉन्टैक्ट अस पेज पे जाऊं, तो गाइज यहाँ पे हमारे पास कोई भी फॉर्म नहीं है, तो ये कैसे बनेगा। इसके लिए गाइज हमें सिंपली क्या करना है, प्लगइन इंस्टॉल करना है। तो प्लगइन कैसे इंस्टॉल होगा, सिंपली हम क्या करेंगे, फिर से डैशबोर्ड में जाएंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, एंड गाइज आपको फिर से प्लगइन पे माउस ओवर करना है, देन ऐड न्यू। और गाइज यहाँ पे आपको लिखना है कॉन्टैक्ट। जैसे आप कॉन्टैक्ट टाइप करेंगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म से रिलेटेड बहुत सारे प्लगइन्स आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है और निंजा फॉर्म है, कॉन्टैक्ट फॉर्म बाई WP फॉर्म्स है, ये सारे पॉपुलर प्लगइन्स हैं। बेसिकली आज हम ये प्लगइन इंस्टॉल करने वाले हैं, बहुत ही पॉपुलर प्लगइन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है, मतलब लाइफ टाइम में तो बहुत सारे इंस्टॉलेशन हुए होंगे लेकिन अभी भी 5 मिलियन लोग यूज़ कर रहे हैं। सो गाइज ये प्लगइन इस रेटिंग को देख के आप समझ सकते हैं कि कितनी कमाल की ये प्लगइन हो सकती है। सिंपली हम क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दिया हूँ, एंड जैसे आपका प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे एक्टिवेट का बटन आएगा। सिंपली आपको क्या करना है, एक्टिवेट पे सिंगल क्लिक करना है और गाइज आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी प्लगइन, यानी कि हम इंस्टॉल्ड प्लगइन पे हैं, जो भी प्लगइन हमारे इंस्टॉल्ड होंगी हमको इस पेज पे मिलेंगी। अभी हमारे पास 4 प्लगइन इंस्टॉल्ड हैं, दैट इज़ WP इम्पोर्टर, क्लासिक एडिटर, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और TiniMCE एडवांस। इन सारे प्लगइन्स के अलग अलग वर्क हैं, हम आगे हम बात करेंगे। एंड आई बिलीव मैं ऐसे कुछ वीडियोस बनाने वाला हूं जिसमें हम बहुत ही अच्छे प्लगइन्स और पॉपुलर प्लगइन के बारे में बात करेंगे। यहां पे हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की बात कर रहे हैं। तो सिंपली जैसे आपका प्लगइन इंस्टॉल हो जाए, एक्टिवेट हो जाए, हमें क्या करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइज आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर लिखा है कॉन्टैक्ट फॉर्म 1, यानी कि हमारे पास एक फॉर्म ऑलरेडी बना हुआ है और यहाँ पे इसके सामने एक शॉर्ट कोड मिल जा रहा है, मतलब कि ये एक ऐसा कोड है जिसको हम यूज़ करके इस फॉर्म को कहीं पे भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो गाइस सिंपली हम इस शॉर्ट कोड को क्या करेंगे, हम कॉपी करेंगे, मैं कॉपी कर रहा हूँ, और क्या कर सकते हैं हम, जहाँ पे जिस पेज पे हमें इससे डिस्प्ले करना है उस पेज पे हम जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे पेजेस पे एंड देन ऑल पेजेस। यहाँ पे हम ओपन करेंगे कॉन्टैक्ट अस वाला पेज। सिंपली मैं एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ। एक बार आपका पेज कम्प्लीटली ओपन हो जाए, सिंपली आपको क्या करना है, इस एरिया में ये शॉर्ट कोड पेस्ट कर देना है। उसके बाद गाइस सिंपली इसे क्या करना है, इस पेज को सेव कर देना है, मतलब कि अपडेट कर देना है। और हम एक बार हम फिर अपनी वेबसाइट पर चलते हैं
और देखते हैं कि हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म विजिबल हुआ है कि नहीं। तो हम आ जाते हैं कॉन्टैक्ट अस पेज पे। तो गैज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है वो विजिबल हो रहा है। हमने कोई भी कोडिंग नहीं किया, हमने कुछ इतना बड़ा टास्क परफॉर्म नहीं किया, सिंपली हमने किया कि एक छोटा सा प्लगइन इंस्टॉल किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका एक फॉर्म कितना अच्छा इंटरफेस आ रहा है फॉर्म का। और हमने क्या किया, इसको 2 मिनट में इंटीग्रेट कर लिया अपनी वेबसाइट पे। अब कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट पे आएगा, सिंपली वो यहाँ पे अपना नाम डाल सकता है, यहाँ पे अपना ईमेल जो भी उसका ईमेल हो, और यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट हो यहाँ पे सब्जेक्ट डाल सकता है, और यहाँ पे मैसेज, हाय आई वॉन्ट टू लर्न वर्डप्रेस। उसने अपना क्वेरी सबमिट किया और जैसे सेंड करेगा वैसे गाइस क्या होगा, उसको एक मैसेज मिल जाएगा, थैंक यू फॉर योर मैसेज, इट हैज़ बीन सेंड। ये सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ तक कि आपको जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा फील्ड डालने हैं, लेट्स से कि आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, एक बॉक्स बना सकते हैं मोबाइल नंबर का। सो यस, आज के वीडियो में सिर्फ इतना बताना था आपको कि कैसे हम अपनी वेबसाइट पे कोई भी प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। आगे मैं सेपरेट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे एग्जैक्टली एक प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट अस फॉर्म बना सकते हैं और उसमें क्या क्या फील्ड्स होने चाहिए, यानी कि क्या क्या टेक्स्ट बॉक्स होने चाहिए, और जैसे कोई सबमिट करे ये वैल्यू आपके मेल पे चला जाए, ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल है वो हम आगे वीडियो में बात करेंगे। जस्ट मेक श्योर कि आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको चैनल का बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना है ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो यस, आई बिलीव आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में आ गई होगी कि एग्जैक्टली प्लगइन्स क्या होते हैं और प्लगइन कैसे इंस्टॉल होगा। मैं आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू दे देता हूँ। सिंपली आपको कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करना है, आपको प्लगइन्स पे माउस ओवर करना है, देन आपको ऐड न्यू पे जाना है, और यहाँ पे गाइस आपको थाउजेंड्स ऑफ आपको फ्री प्लगइन्स मिल जाएंगे। सिंपली आपको जो भी प्लगइन इंस्टॉल करना है आपको क्या करना है, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है, और जैसे वो प्लगइन इंस्टॉल हो जाए आपको क्या करना है, एक्टिवेट पे क्लिक करना है। सो अभी ये प्लगइन इंस्टॉल हो रहा है, और एक बार जब प्लगइन आपका इंस्टॉल हो जाए सिंपली आपको क्या करना है, एक्टिवेट पे क्लिक करना है। तो गाइज इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, प्लगइन्स को अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में अपने यूज के हिसाब से, लेट्स से कि आपको स्लाइडर लगाना है या फिर आपको गैलरी बनानी है, तो इन सब के प्लगइन्स अवेलेबल हैं। अगर आप चाहिए तो इनको आप क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और इन सारी चीज़ों को डिग कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। सिंपली क्या करना है, आपको प्लगइन में जाके अपने डिज़ायर्ड प्लगइन को सर्च करना है। सो आई बिलीव आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हमेशा की तरह आपको फेसबुक ग्रुप का लिंक, इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक और होस्टिंग रिलेटेड डील्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन हैप्पी ब्लॉगिंग।